सम वायरल डिजीजेस इन पाकिस्तान। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि वायरस की वजह से जो है वो बहुत कॉमन पाई जाती हैं। तो उनमें सबसे पहली जो बीमारी है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इसे हम चीचक की बीमारी भी जो है वो कहते हैं, चीचक की बीमारी, स्मॉल पॉक्स इसको चीचक की बीमारी जो है वो कहा जाता है। अब ये बीमारी जो है स्मॉल पॉक्स, ये किस वजह से होती है? इट इज कास्ड बाय अ डीएनए एनवेलप्ड पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स ये जो बीमारी है ये एक वायरस की वजह से होती है जिसे हम पॉक्स वायरस कहते हैं। अब ये जो पॉक्स वायरस है इसके स्ट्रक्चर में डीएनए और कैप्सिड के गिर्द एनवेलप जो है वो मौजूद होता है। तो स्मॉल पॉक्स जो है, ये जो बीमारी है ये एक डीएनए एनवेलप पॉक्स वायरस से जो है वो पैदा होती है। अब ये जो बीमारी है, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है नॉलेज हम जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का आगाज 12वीं सदी में चाइना में एक वबा की सूरत में जो है वो हुआ था। कि ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी 12वीं सदी में चाइना में एक वबा की सूरत में जो है वो पैदा हुई थी, फैली थी। अब ये जो बीमारी, चूंकि ये बीमारी जो है वो आज से कई सौ साल पहले इसका जन्म हो चुका था, इसीलिए इसको हम एंशियंट डिजीज जो है वो कह सकते हैं। कि आज के दौर में अगर हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो है इसको एंशियंट डिजीज समझा जाता है। एक बहुत पुरानी बीमारी हो चुकी है जो कि आज से तकरीबन 800 साल पहले जो है वो चाइना में इस बीमारी ने वबा की सूरत जो है वो इख्तियार की थी। अब इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में इन स्मॉल पॉक्स रेस्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी। वेसिकल कहते हैं दाने को, छोटे छोटे स्किन के ऊपर जो है, बॉडी के ऊपर जो है वो छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो दाने बॉडी के ऊपर बनते हैं वो दाने जो हैं वो उभरे हुए होते हैं। नॉर्मली भी अगर कोई दाना बन जाता है तो वो दाने जो होते हैं वो स्किन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं। तो रेज्ड का मतलब है उभरे हुए दाने जो हैं वो बनते हैं। कहां पर बनते हैं? पूरी बॉडी के ऊपर। इस बीमारी ने बॉडी के ऊपर उभरे हुए दाने जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और उन दानों के अंदर पीप जैसा जो है, पस जैसा फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी सरफेस है तो बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह उभरे हुए जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं और उन दानों के अंदर पस जैसा पीप जैसा फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो फ्लूइड से भरे हुए ये जो दाने हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर बनते हैं, अगर कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद जो है ये अपने आप जो है वो फट जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, या समटाइम हाथ लगाने से भी जो है ये डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, जब ये फट जाते हैं, पस्ट्यूल का मतलब होता है फट जाना, डैमेज हो जाना, जब ये दाने जो कि बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं जब ये फटते हैं तो इनके फटने के बाद वहां पर उस जगह पर एक पक्का निशान जो है वो स्किन पर रह जाता है हमेशा के लिए। उस निशान को हम कहते हैं पॉक्स, द पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स क्या है, इस बीमारी में बॉडी के ऊपर उभरे हुए दाने बनते हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है और जब ये दाने बाद में अगर किसी वजह से फट जाते हैं तो ये उस जगह पर पक्के निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें हम पॉक्स का नाम जो है वो देते हैं। अब इस बीमारी की वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो इस बीमारी की जो वैक्सीन है
वो 1796 में एडवर्ड जेनर ने जो है वो तैयार की थी। लेकिन इस वैक्सीन को पूरी दुनिया में कॉमन होने के लिए, क्योंकि ये बीमारी स्टार्ट तो इसका चाइना से हुआ था, लेकिन चाइना से ये बीमारी जो है ये पूरी दुनिया में जो है वो फैल चुकी थी, तो वैक्सीन 1796 में एडवर्ड जेनर ने तैयार कर ली थी। लेकिन इस वैक्सीन को बहुत ज्यादा मिकदार में तैयार करने में, दूसरी कंट्रीज में भेजने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो दरकार था, और तकरीबन 1950s में जाकर इसकी जो वैक्सीनेशन थी वो पूरी दुनिया में जो है वो आम हो चुकी थी। वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा लोगों को एहतियाती तदाबीर पर भी जो है काफी अबूर हासिल था कि कैसे हम इस बीमारी से जो है वो बच सकते हैं। तो 1950 में वैक्सीनेशन की वजह से और एहतियाती तदाबीर की वजह से इस बीमारी का जो खतरा था वो काफी हद तक जो है वो टल चुका था, और आखिरकार 1980 में तकरीबन 30 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी अदारा सेहत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि स्मॉल पॉक्स जो है ये बीमारी अब पूरी दुनिया से जो है वो खत्म हो चुकी है। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म होना, कि ये बीमारी अब पूरी दुनिया से जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये स्मॉल पॉक्स के हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ, डेट इज हर्पस सिंप्लेक्स। अब ये जो बीमारी है हर्पस सिंप्लेक्स, ये बीमारी जो है ये भी वायरस की वजह से होती है, एंड डेट वायरस इज नोन एज हर्पस वायरस। अब ये जो बीमारी है, ज्यादातर जो डिजीजेज हैं उनका नाम वायरस की बेस पे ही रखा गया है, वायरस के नेम पे ही रखा गया है। तो हर्पस सिंप्लेक्स ये डिजीज एक वायरस, हर्पस वायरस की वजह से होती है, जो कि बेसिकली एक डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस है, इसमें एनवेलप मौजूद नहीं होता। तो हर्पस जो कि एक डीएनए वायरस है वो इस बीमारी का बायस बनता है, और ये बीमारी जो है ये नेचुरली अगर देखा जाए तो ये बीमारी जो है ये सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है। मतलब कि ये जो वायरस है ये सिर्फ इंसानों में ही इस बीमारी को जो है वो पैदा कर सकता है। नेचुरली इंसान के अलावा ये बीमारी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। अब इस बीमारी में क्या होता है, इन दिस डिजीज इस बीमारी में क्या होता है, वास्कुलर लायंस जो है, वास्कुलर लायंस का मतलब होता है ब्लड से भरे हुए लायन। लायन अगेन वेजिकल, यहां पर हमने लफ्ज इस्तेमाल किया वेजिकल, और यहां पे लायन इनका मतलब दाने ही हैं, कि स्किन के ऊपर दाने जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें फ्लूइड मौजूद नहीं होता बल्कि ब्लड जो है वो मौजूद होता है। ये रेडिश होते हैं, ये सुरख कलर के दाने होते हैं, और अगर ये दाने जो हैं ये बस्ट हो जाते हैं तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस बीमारी में होता क्या है कि रेडिश जो हैं वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। कहां पर बनते हैं, इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। इस बीमारी में एक्टोडर्मल टिश्यू की जो एपिथेलियल लेयर होती है उसके ऊपर ये दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब हमने बात की, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये बीमारी सिर्फ इंसानों में जो है वो होती है। तो हमारी बॉडी में जो एक्टोडर्मल टिश्यू है वो क्या है, तो हमारी बॉडी में जो हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है वो एक एक्टोडर्मल टिश्यू है, और स्किन की कई लेयर्स हैं। एपिडर्मिस है, जिसे एपिथेलियल लेयर उसने यहां पे लिखा हुआ है, फिर डर्मिस है, और फिर हाइपोडर्मिस है। स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, जो सबसे बाहर वाली जो स्किन की लेयर है जिसको हम बाहर देख सकते हैं, डेट इज एपिथेलियल लेयर। ठीक है, अपर लेयर आप इसको कह सकती हैं, अपर लेयर। तो इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हमारी जो स्किन है जो कि एक्टोडर्मल टिश्यू जिसको हम कहते हैं, उसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है जिसे हम एपिथेलियल लेयर कहते हैं या एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो रेडिश स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी में हमारी स्किन के ऊपर जो है वो रेड कलर के दाने जो हैं स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं।
अब ये बीमारी जो है ये मोस्टली फेस वाली साइड्स पर अटैक करती है, लिप्स हैं, माउथ हैं और दूसरी स्किन की जो है वो साइड्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये डिजीज जो है ये फेस पर ही जो है वो लायंस की सूरत में जो है वो नमूदार होती है। नेक्स्ट है मम्प्स एंड मीसल्स। ये दोनों डिफरेंट डिजीजेज हैं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन हम इनको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो दोनों बीमारियां हैं इन दोनों बीमारियों के जो वायरसेस हैं वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसे हम ग्रुप पैरामिक्सो वायरसेस का नाम देते हैं। वायरसेस के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो ग्रुप पैरामिक्सो वायरस है इस ग्रुप में ज्यादातर जो वायरसेस पाए जाते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं और एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। आरएनए होगा स्ट्रक्चर में और कैप्सिड के गिर्द एनवेलप भी जो है वो मौजूद होगा। तो ग्रुप पैरामिक्सो वायरस से ताल्लुक रखने वाले जो वायरसेस हैं वो इन दो बीमारियों का बायस बनते हैं। स्टार्ट पहले अगर हम बात करें मम्प्स की, मम्प्स जो है ये कहते हैं कनपेड़े, हमारी जुबान में इसको हम कहते हैं कनपेड़े। इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जो नेक वाला जो रीजन होता है, गर्दन वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा सूजनपन पैदा हो जाती है और वो सूजन बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो टॉन्सिल्स तक जो है वो पहुंच जाती है, तो टॉन्सिल्स में भी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, फेस पर भी सम टाइम जो है वो स्वेलिंग जो है वो काफी नजर आती है। ये अक्सर बच्चों के अंदर ये बीमारी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। मम्प्स इज हाईली कंटेजियस, ये बीमारी जो है ये अछूती बीमारी है, एक शख्स से एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बआसानी जो है वो हो सकती है, लिहाजा ये बड़ी तेजी से फैलती है, लेकिन सेल्डम फतल, लेकिन ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। और अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो अडल्ट्स होते हैं वो इस बीमारी के खिलाफ जो है वो इम्यूनिटी रखते हैं, उनके अंदर इतना उनका अडल्ट्स जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो ये बीमारी जो है वो उन पर हमला नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने बताया कि ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में ही जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह मीसल्स है, जिसे हम खसरा के नाम से जो है वो जानते हैं, ये भी आमतौर पर जो है वो बच्चों में ही ज्यादातर जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन बड़े भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बीमारी भी बच्चों में ही देखने को मिलती है। और नॉर्मली इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी अगर किसी शख्स को या किसी बच्चे को एक बार हो जाती है तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको ये डिजीज नहीं होती, क्योंकि इस डिजीज से उस पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो जाती है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी नॉर्मली जो है वो कहते हैं, तो ये जो फ्लू है इन्फ्लुएंजा जो है ये एक आरएनए एनवेलप्ड वायरस से पैदा होने वाली जो है वो बीमारी है। ये वायरस मोस्टली विंटर सीजन में एयर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होता है, तो आरएनए एनवेलप्ड वायरस की वजह से ये बीमारी होती है और ये भी बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो फैलती है और समटाइम ये वबा की सूरत भी जो है वो इख्तियार कर जाती है, जैसे स्वाइन फ्लू है। तो इस तरह इस फॉर्म में जस्ट मैंने ये समझाने के लिए वर्डिंग इस्तेमाल की स्वाइन फ्लू है, तो ये एक वबा की सूरत में भी जो है वो मौजूद हो सकती है। पोलियो की अगर हम बात करें, जिसे पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है, पोलियो जिसे पोलियोमाइलिटिस भी कहा जाता है, ये एक वायरस की वजह से होती है जिसे हम पोलियो वायरस कहते हैं। और पोलियो वायरस जो है अभी तक जितने वायरसेस साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं या साइंटिस्ट जिन वायरसेस के बारे में जानते हैं उनमें से जिन छोटे वायरसेस के बारे में साइंटिस्ट जानते हैं उनमें से एक छोटा वायरस जो है वो पोलियो वायरस भी है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए पर मुश्तमिल होता है और उस आरएनए के गिर्द एक गोल कैप्सिड, जैसे ये आरएनए है और उस आरएनए के गिर्द ये एक स्फेरिकल गोल कैप्सिड जो है वो मौजूद होता है। तो ये पोलियो वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर है। ये वायरस जो है ये पूरी दुनिया में जो है वो पाया जाता है और ये अक्सर बच्चों पर जो है वो अटैक करता है, मोस्टली बच्चों में ही जो है वो देखने को मिलता है। दरअसल ये वायरस जब बॉडी में दाखिल होता है तो ये बॉडी के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो पैरालिसिस का जो है वो शिकार हो जाते हैं, जिससे वो शख्स या वो बच्चा जो है वो
चलने फिरने से जो है वो कासिर हो जाता है। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और अमूमन 5 साल तक जो है वो बच्चों को जो है वो पिलाई जाती हैं। वो जो वैक्सीन पिलाई जाती है उसे हम कहते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि ड्रॉप्स की सूरत में जो है वो बच्चों को दी जाती है।